हेलो फैमिली, व्हाट्सअप, दिस इज रत्नदीप एंड वेलकम बैक टू फिटनेस एंड ब्लॉग। तो आज हमारा डे 6 है और हम करेंगे बैक और शोल्डर। एक्चुअली मैं करूँगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरा भाई का है आज, तो उसने एक्चुअली कल वैक्सीन लगाया था, तो उसका हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है और वो थोड़ा सा वीक भी फील कर रहा है। दैट्स व्हाई वो आज रेस्ट करेगा और मैं करूँगा 200 पुलअप्स और 200 साइड लैटरल राइजेस, और यू कैन से साइड राइजेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पुलअप स्टार्ट करते हैं। मैं करूँगा पुलअप्स यहाँ पे। ये मैंने कल ही सेटअप बनाया है और इसका मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोग समझ पाए मैंने ये कैसे बनाया है, सिर्फ बेम्बो का इस्तेमाल किया है। तो चलिए पहले देख लेते पुलअप्स लगाना कैसे। ये थोड़ा सा वाइड पकड़ना आपको शोल्डर से, क्लोज मत पकड़ना, एंड देन फुल अप एंड फुल रिलीज। ठीक है, अप एंड रिलीज लाइक दिस। आपको इसे हाफ नहीं लगाना है, नॉट लाइक दिस। कोशिश करो फुल लगाने का, अगर आपसे नहीं जा रहा है देन यू कैन ट्राई। तो चलिए मैं लगाऊंगा 200 पुलअप्स, तो स्टार्ट करते हैं। हो एक और बात, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पुलअप्स कर पा रहा हूँ, आपसे अगर पुलअप्स नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है। तो मेरे साथ मेरा एक भाई है जो भी टोटली बिगिनर है, सुब्रज्योति, कम है आ जा। हाँ, तो ये भी टोटली बिगिनर है, ये भी एक्सरसाइज करता है हमारे साथ रोज़। एक्चुअली ये भी ट्रांसफॉर्मेशन 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में इसने भी पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी रोज़ करता है हमारे साथ, और बिहाइंड द कैमरा भी ये संभालता है, वीडियोग्राफी भी ये करता है। तो देखते हैं इससे कितना पुलअप्स जाता है। लेट्स डू पुलअप्स। कोई बात तो नहीं, ओके ओके ओके, गजब बेइज्जती है। इधर दीवाना वीडियो कोई वो कौन जंप, नाइस। देखो इसके पुलअप्स, 1 2। देखो इससे पुलअप्स उतना जा नहीं रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अगर आपसे ये पुलअप्स नहीं जाता है अभी, टेन चिंता किस बात का है, आपका भाई है ना। तो चलिए देखते हैं क्या एक्सरसाइज करना है आपको जिससे आपका पुलअप्स करने का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग जब पुलअप्स करते हैं तो हमारा कौन कौन सा मसल्स एंगेज रहता है, ट्रेंड होता है पुलअप्स करते वक्त। सबसे पहले जो हमारा फोरआर्म्स का ब्रेकियोरिजियालिस मसल है, ये अपर फोरआर्म, देन ये ब्रेकियालिस, देन ब्रेकियाई, तीनों बाइसेप का दोनों मसल काम होता है इसमें। देन हमारा ट्रेपेजियस भी काम आता है, अपर बैक पूरा काम आता है, लेटिस मसल भी काम आता है, और आपका जो रियर डेल्ट है जिसको हम लोग पोस्टीरियर डेल्टोइड भी बोलते हैं, ये भी इसमें एंगेज रहता है। तो पुलअप्स काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट आपका अपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पुलअप्स आपसे नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है। आपको ऐसे एक सेटअप तैयार करना है, लाइक आप इसको चेयर पे भी रख सकते हो, एक आप कुछ भी स्टिक ले सकते हो। इस पोजीशन में आपका कमर का हाइट होना चाहिए, देन आपको ये ऐसे पुलअप पोजीशन में रहना है, ठीक है। और आपका जो लेग है उसको आप सामने कर लोगे, देन फुल रिलीज अप, ओके। हाथ को थोड़ा सा बाहर रखना है, फुल रिलीज एंड देन पुल अप, ओके। सेम मसल्स काम आ रहा है, अपर बैक काम आ रहा है, लाइक दिस। आपको फुल रिलीज करना है और पूरा ऊपर तक खींचना है इसको। आई कैन फील माई रियर डेल्स, माई अपर बैक, माई ब्रेकियाली, ब्रेकियाई, ब्रेकियोरिडियालिस, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी नाइस। दिस एक्सरसाइज इज परफेक्ट टू डेवलप योर पुल अप स्ट्रेंथ। लेट्स डू इट, लेट हिम ट्राई हाउ इट इज नाइस। आप लेग मुझे नहीं, थोड़ा सामने कर, हाँ, देन चेस्ट अप, यस, नाइस, वेरी गुड। ट्राई टू स्टॉप व्हेन यू आर हियर एंड रिलीज, फुल रिलीज। तो अगर आपसे पुलअप्स नहीं जा रहा तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आपको करना है 100 रेपिटेशंस, फर्स्ट नहीं जा रहे 100 देन स्टार्ट विथ 60, 80 और 40 ऑल्सो, बट आप अगर ये इजी है, आप 100 आराम से कर पाओगे। आप 20 रेपिटेशंस करके आप 5 सेट कीजिए, आराम से हो जाएगा आपका। और अगर आपने ये एक्सरसाइज किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप
10 टू 15 डेज में आप कम से कम 5 पुलअप्स लगा सकते हो अगर आपने ये 100 एवरी डे किया डन। वो डिपेंड करता है आपका कितना ज़्यादा बॉडी वेट है। अगर आपने अच्छे से ट्राई किया तो आप आराम से 10 टू 15 भी लगा सकते हो। तो आपको ये करना है, कैसा था ये बताएगा? हाँ, ये इजी था उससे। इजी था राइट? आप फील किया ना बैक बैक मसल काम कर रहा है। तो लोग करते हैं स्टार्ट, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, कहीं मत जाना क्योंकि हम लोग शोल्डर एक्सरसाइज भी करेंगे, हम लोग करेंगे ब्रिक से करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I took this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. So our back is done. Time for shoulder. We need bricks. Let's do it. क्या करना है आपको? नी को थोड़ा सा बेंड रखना है, इससे आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अप, स्लो डाउन, ओके। अप, आपका आपका जो एल्बो है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा सा बेंड रहेगा, उससे आपको फुल स्ट्रेच मिलेगा और एल्बो इंजरी भी नहीं होगा। अप, होल्ड एंड डाउन। अगर आप होल्ड कर सकते हो देन वेरी गुड, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो देन ट्राई टू ऑब्जर्व द नेगेटिव। आपको नेगेटिव को स्लो करना है लाइक दिस, और इसको सामने ला के टक्कर नहीं खिलाना। अप, स्लो रिलीज, अप, स्लो रिलीज। आपको इसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है, नॉट लाइक दिस। आपको कान तक लेके जाना है देन डाउन, ओके। आप अगर इसको ट्विस्ट कर पाओ देन इट्स गुड, बट आप अगर ये ब्रिक का ग्रिप अच्छा नहीं बन रहा है तो मैं ट्विस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। लेट्स ट्राई। You have to feel that we call muscle mind connection. आपने सुना ही होगा। Shoulder को ऐसे ऐसे नहीं करना है, shoulder को ऊपर रखना है। Like this, हाँ, करो, bend, gap gap, हाँ, करो, हाँ, इसको shoulder को ऊपर रखना है, ठीक है? ऊपर का तरफ contract करके रखना, like this, not like that. Come on. Yeah. Muscle is working right now.
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। लाइक नहीं करना अभी तक, गाइस लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो कमेंट कीजिए। आप बताइए हमको कि क्या पसंद नहीं आया या फिर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना वीडियोस को। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाना क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना कर पाओ। और बॉडीज पे कोई चेंजेस आता है कि नहीं, ये भी आया है कि नहीं ये भी बताओ आप लोग। 6 डेज तो हो चुके हैं हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब और स्टे हेल्दी स्टे फिट। बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो पे। नेक्स्ट कल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ज़रूर देखना।